तो कल हम चर्चा किया और अभी हम आगे चर्चा कर रहे कि भक्ति में भगवद गीता में अंतिम उपदेश है कृष्ण का कि सर्वधर्म परित्यजा मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः कि सरे तथा कथित धर्म परित्याग करना और अपने जीवन कृष्ण को समर्पित करना। और कृष्णा ने कहा कि सारे पापों से मुक्ति देंगे और माँ शुचा डरो मत, चिंता मत करो। तो ये शरणागति मतलब क्या, किसी को याद है? शरणागति में छह चीज है जो करना है तब हम बोल सकते कि हम प्रयास कर रहे हैं समर्पण के लिए। कौन सा है? अनुकूल से संकल्प, जो अनुकूल है भक्ति के लिए वो स्वीकार करना, और प्रतिकूल से वर्जन, जो प्रतिकूल है भक्ति के लिए वो वर्जित है, छोड़ना है। और रक्षिष्यति इति विश्वास, संपूर्ण विश्वास कि कृष्ण रक्षा करेंगे। और गोपत्रित्व वरणम तथा, जैसे कि कृष्ण ही हमारा पालक है, बाकी कोई नहीं। आत्मनिक्षेप, संपूर्ण समर्पण, कार्पण्य मतलब विनम्र भाव, विनम्र भाव। तो कल हम एक्चुअली उपदेशामृत जो श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा उसमें इस अनुकूल और प्रतिकूल क्या है इसके बारे में वर्णन है। तो हमने पहले श्लोक के बारे में चर्चा किया कि वहाँ पहले सबसे पहले क्या करना है, वेगों को दमन करना। बस केवल एक बार रिपीट करेंगे वो श्लोक, वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपास्त वेगम एतान वेगान यो विषहे तदीरा सर्वं पृथ्वीं पृथ्वीं सशिष्य, कि पूरा पृथ्वी पर शिष्य बना सकते हैं व्यक्ति जो वाचो वेगम, वाणी वेग, मन का वेग और क्रोध का वेग और जीवा का वेग, जीवा पेट और जननेन्द्रिय का वेग, ये छह वेगों को उन्होंने यो विषहिता वश में रखा, दमन किया, कंट्रोल। तो ये धीरा है, धीरा वही शांत व्यक्ति है, तो उनका अधिकार है शिष्यों को बनाने के लिए, गुरु का अधिकार। ये बहुत सारे गुणों में से एक है, ऐसा नहीं कि केवल यही है। तो ये सारे भक्तों के लिए जो भक्ति करना चाहते हैं कृष्ण भक्ति, ये जरूरी है इंद्रियों को वश में रखना। तो तो हमने चर्चा किया संक्षेप में, ये है कि सारे जो वेग है सब भगवान की सेवा में लगाना, यही तरीका है। सबसे सिंपल सरल तरीका है कि हमारे इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाना। इसका एक दूसरा श्लोक आता है भक्ति रसामृत सिंधु से, इसमें वर्णन है कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय ही सेवोन्मुखे ही जीवाधा स्वयं एवं स्फुहृत्यधा। इसका अर्थ है कि हम भगवान को कभी नहीं देख सकते इस भौतिक इंद्रियों से, सबका अनुभूति है ना, देख रहे कहीं दिखा नहीं दे रहे भगवान कहाँ है, हम नहीं देख सकते, परंतु रास्ता को बताते हैं कि सेवोन्मुख ही जीवादव, सेवा उन्मुख भगवान की सेवा में लगाना क्या, जीवा आदि, जीवादव मतलब जीवा आदि मतलब जीवा ये केवल एक इंद्रिय है, आग भी है, कान भी है, नाक भी है, स्पर्श भी है, हाथ भी है, सब मतलब सारे इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाना। जीवा आदि मतलब जीवा सबसे पहले, जीवा से हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं हरे कृष्ण, बोल सकते हैं गीता के बारे में, बोल सकते हैं और खा सकते हैं आस्वादन टेस्ट। तो मतलब हम कृष्ण प्रसाद सेवन कर सकते हैं, कृष्ण का जो प्रसाद है उसका आधार करना जीवा से, ये पहला सेवा होगा। और इसमें कोई कठिनाई नहीं है, सबका रुचि है खाने में,
और अच्छा प्रसाद मिल गया था, इसमें क्या दिक्कत है, अच्छा है। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण सेवा ये जीवा आदि, अगर हम इस प्रकार अपने इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाते हैं, स्वयं एव स्फुरत्यदा, भगवान स्वयं प्रख्यात हो जाते हैं, मैनिफेस्ट हो जाते हैं और हम उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या होगा, अपने इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाना। तो ये इस प्रकार सारे वेग, वाणी का वेग, बोलने का वेग, मन का वेग, मन भी भगवान की सेवा में लगाना, क्रोध का वेग भी सेवा में लगाना है। हाँ, जीवा तो प्रसाद ही कहेंगे और हरे कृष्ण बोलेंगे, और प्रसाद कहेंगे तो पेट में जितना जरूरी है इतना डालना है। तो अगर ये जीवा को दामन किया तो नीचे जो जनन इंद्रियों का वेग है वो भी ठीक हो जाएगा। और उसका और भी उपाय था कि संतान उत्पत्ति करना और भक्त सिखाना कि कैसे भक्ति करना, ये गृहस्थों का दार। तो संक्षेप में कल ये चर्चा हुआ, अभी हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे जिसमें वर्णन है क्या प्रतिकूल है भक्ति के लिए, तीसरा श्लोक में वर्णन है क्या अनुकूल है। तो यहाँ ये पहले पढ़ेंगे श्री उपदेशामृत। उपदेशामृत का अर्थ क्या है, उपदेश अमृत। अगर आप अमृत बनना चाहते हैं, अगर कभी आप दोबारा मरना नहीं चाहते, नहीं मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे, तो ये उपदेशामृत पढ़ना है। इसमें ऐसा उपदेश है जिससे हम जन्म मृत्यु को पार कर सकते हैं। तो पहला है इंद्रियों को वश में रखते हैं, दूसरा है अभी दूसरा श्लोक, अत्याहार प्रयासश्च प्रजाल्पो नियमाग्रह जनसंघश्च लौल्यं च सर्वभक्तिर्विनाश्यति। तो यहाँ पर बताते हैं भक्ति कैसे विनाश हो सकते हैं। अगर हम भक्ति करते हैं और यदि और भक्ति नाश हो जाएगा कैसे, पहले पहला है अत्याहार, मीन्स अत्यधिक भोजन करना, ये उसके साथ अत्यधिक संग्रहण करना, कलेक्शन। अत्यधिक भोजन मतलब खाना है, खाना है, ज़्यादा खाना है। तो ज़्यादा खाना मतलब अगर हम पेट भर लिया ज़्यादा, और अलग प्रकार का खाना जो उचित नहीं है मनुष्यों के लिए वो भी इसमें आएगा। ये कई बार दोनों साथ चलता है, मतलब मांस खाना और वो भी इतना ज़्यादा, ये है। अभी कोई भी भोजन, कुछ भी भोजन करेंगे, अगर शुद्ध शाकाहारी भी करेंगे, अगर ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, एक ही नींद आएगा जल्दी, जरूर सोएंगे ज़्यादा, ज़्यादा सोएंगे तो माला करने के लिए समय नहीं होगा। दूसरा है हम डल हो जाएंगे, ऐसे फ्रेश नहीं है मन, ऐसे बार बार नींद आएगा क्योंकि डाइजेशन में पूरा खून वहाँ ही जाता है पेट में, तो यहाँ पर दिमाग काम नहीं कर रहा, तो दूसरा बीमार हो जाएंगे। ज़्यादा भोजन करने से व्यक्ति बीमार हो जाते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम आता है। हम बीमार हैं तो भक्ति भी नहीं करेंगे, कठिन होगा। और अत्यधिक भोजन के लिए अत्यधिक प्रयास करना होगा जो दूसरा समस्या है। तो अत्यधिक भोजन तो इसको डाइजेस्ट करने में समय लगेगा, ज़्यादा नींद आएगा, सुबह नहीं उठ पाएंगे, ये सब प्रतिकूल है भक्ति के लिए। दूसरा है अत्यधिक संग्रहण, जो भी एक लालच है, लोभ है कि जितना है हमारे पास और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए। क्योंकि भौतिक वास्तु जो भी कुछ है संपत्ति, वो आत्मा को संतुष्टि नहीं दे सकते। हाँ, आपके पास कुछ नहीं है, एक रुपया है, गरीब प्रयास करे पैसे कमाते कमाते तो 100 रुपये तक आ गया, और भी चाहिए 1000 रुपये तक, 2000, 10000, लाख, करोड़। अभी अभी तो संतुष्टि होना चाहिए कम से कम, नहीं और भी, और भी, कभी कभी काफ़ी नहीं, और भी, और भी। ये लालच जो है
इसके बारे में इसी श्लोक में वर्णन है, अत्यधिक संग्रहण करना, मतलब ये केवल पैसे की बात नहीं है, कई बार हम अलग अलग चीज़ों के बारे में, मतलब अलग अलग वस्तुओं, ये भी चाहिए, मतलब बिजली है, बिजली है आ गया, जैसे पहले गांव में बिजली नहीं था, नहीं यहाँ भी नहीं, और बिहार पे थोड़ा पहले आ गया, तो आ गया, तो बिजली नहीं था तो बस कुछ नहीं था, घर पे दिया जलाते थे, लैंप जलाते थे और बस चल रहा है सब कुछ, रात आ गया तो सो गया, जल्दी सो गया, अपने आप जल्दी उठ गया। अब एक बार बिजली आ गया तो उसके साथ टीवी भी आ गया, उसके साथ मिक्सी भी आ गया, फ्रिज, पंखा, एसी, मोबाइल, सब। तो अभी बिजली आ गया तो उनके घर पे है, मेरे घर पे टीवी नहीं है, मेरे घर पे ये फ्रिज नहीं है, मिक्सी नहीं है, ओह मुझे भी उनके पास है तो बिजली का क्या जरूरत है, तब तो तब क्या करना है, ये सारे चीज़ों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा, ज़्यादा पैसा कमाना, तो खेत से नहीं आएगा, तो जाना पड़ेगा बॉम्बे, बॉम्बे में पैसा कमाने के लिए अत्यधिक प्रयास, तो वहाँ पर बाद में आपको पूरा दिन हर दिन का पैसा कमाना होगा, तो अत्यधिक शक्ति समय सब कुछ जाएगा, इसको बोलते प्रयास, अत्याहारस प्रयास। तो अत्यधिक संग्रहण करना, ये भोजन करने का परिणाम होगा, अत्यधिक प्रयास करना होगा, ये सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना, बहुत समय जाएगा और थोड़ा समय बचेगा मेरी भक्ति करने के लिए, थोड़ा तो थक जाएंगे, अब बैठेंगे माला करेंगे सोएंगे, तो यही है, ये हमारा परिस्थिति है। तो ये रूप गोस्वामी बहुत पहले से निर्धारित किया कि ये अनुकूल नहीं है भक्ति के लिए, इसलिए श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में बताते कि ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है सरल जीवन और उच्च विचार, हमको जो जितना भी जरूरी है शरीर को पालन करने के लिए और परिवार पालन करने के लिए इतना प्रयास करना है, कुछ तो करना होगा लेकिन उससे अधिक नहीं। अब क्या है, आज कलयुग और आज का आधुनिक समाज जो है इस प्रकार का प्रचार चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट, कृत्रिम एडवर्टाइजमेंट कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, जैसे टीवी में दिखाएंगे कुछ एडवर्टाइजमेंट, ये बिजनेस है ना, ये कपड़ा खरीदना, ये नया टीवी आ गया, नया प्रकार का मोबाइल आ गया, नया प्रकार का गाड़ी, कपड़े, ये सब, तो ये देख कर बार बार देखते हो लग रहा है कि मुझे भी जरूरी है, जरूरी है, जरूरी नहीं है, बट बार बार देखने से जाए तो विषयान पुमसा संगस्ते सुपजाते संगत संजयते काम, मतलब बार बार देखने से जरूरी नहीं है लेकिन बार बार देखा देखा तो इच्छा, काम वासना, इच्छा है उस वास्तु को प्राप्त करने के लिए, तो मुझे भी चाहिए। इससे पहले किसी के पास ऐसा बड़ा मोबाइल नहीं था, छोटा भी नहीं था, बाद में एक बार आ गया मार्केट में तो एक व्यक्ति खरीद लिया और देखा और एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गया, तो बाद में सबके पास मोबाइल, अभी बड़ा मोबाइल आ गया तो दोबारा सबके पास हो गया एडवर्टाइजमेंट, लेकिन हजारों हजारों साल लोग गांव में रहते थे और कोई मोबाइल नहीं था, और आज लग रहा है कि मेरे पास अगर मोबाइल नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊँगा, कैसे जीऊँगा बिना मोबाइल, अरे कैसा हो सकता है, पहले लोग कैसे रहते थे, नहीं आई थिंक माता जी के पास मोबाइल नहीं था पहले, ऐसे आप छोटे थे किसी के पास नहीं था तो कैसे हुआ, कोई दिक्कत नहीं था। अभी कृत्रिम प्रचार, कृत्रिम एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता है, आवश्यकता है, हाँ आवश्यकता है, हाँ मुझे जरूरी, तो ये हो गया, इसके लिए प्रयास, ऐसे मोबाइल खरीदने के लिए आपको 10,000 चाहिए, ये लगभग अप डाउन, ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, उसको बार बार चार्ज करना है, रिचार्जिंग, हाँ तो पैसा चाहिए, साथ साथ डर भी लग रहा है कि चोरी नहीं होगा, गिरेगा नहीं, टेंशन रहता है उसके साथ, तो जितना सुविधा है उससे ज़्यादा टेंशन और दुख और प्रयास करना होगा,
तो इसीलिए सारा जीवन श्रील प्रभुपाद बताते, ये उपदेश हमने सबको पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ बहुत अच्छा उपदेश और मार्गदर्शन दे रहे हैं तात्पर्य में। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर शक्तियों के बारे में बताते हैं कि भगवान के तीन प्रकार के शक्तियाँ हैं, अंतरंग, तथास्थ और बहिरंग। अंतरंग मतलब हृदरानी, बहिरंग मतलब दुर्गा मोह माया जिसके अंदर हम है, और हम लोग जो तथास्थ मतलब किनारे में हम लोग, ये भगवान की अंतरंग शक्ति बहिरंग शक्ति पर आश्रित है। अब हम मोह माया में है तो मतलब बहिरंग दुर्गा के अंदर हम है, तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें वापस अंतरंग शक्ति के आश्रय में आना है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कोट कर रहे हैं भागवत गीता, तो यहाँ बताते कि महात्मा नास्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता भजन्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतदिम अव्ययम्। जो वास्तविक महात्मा है वो मोह माया में नहीं है, ये क्या है, दैवीं प्रकृति आश्रिता, दैवी भगवान की अंतरंग शक्ति पर आश्रित है, हमेशा राधारानी के आश्रय में है। आध्यात्मिक शक्ति मोह माया की प्रभाव नहीं है उनके ऊपर। क्यों ऐसा, क्यों भजन्य अनन्य मनसो, क्योंकि अनन्य भजन करते, अनन्य भक्ति करते हैं फुल टाइम, मीन्स लगातार हमेशा व्यस्त है, भगवान का गुणगान करते, भगवान की सेवा कर रहे अनन्य भाव से, निस्वार्थ भाव से। ज्ञत्व भूतलिन अव्ययम, ये अव्यय ज्ञान है, जानते कि भगवान अव्यय, भगवान अविनाशी और भक्ति भी अविनाशी है। दिव्य ज्ञान जब प्राप्त किया व्यक्ति वो भी अविनाश, वो भी विनाश नहीं हो सकते, अव्यय स्टार्ट। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि हम मोह माया से बाहर आएंगे कृष्ण के आश्रय, अंतरंग शक्ति के आश्रय में, जहाँ पर कोई दुख नहीं है। नहीं जैसे हम कीर्तन करते हैं ऐसे तो सबको अनुभूति आते हैं, कितना अच्छा लग रहा है, सत्संग कर रहे, कथा सुनते तो अच्छा लग रहा है सबको, सब बताते तो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम अंतरंग शक्ति के आश्रय में के लिए, उसी आश्रय में आने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये भगवान के हेतु की कृपा है कि हमको आनंद दे रहे, जो हम प्रयास कर रहे हैं, जरूर नहीं है कि आनंद देंगे, पर दे रहे उनके हेतु की कृपा है। तो ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, लेकिन समस्या क्या है, जैसे हम बताते हैं माला करो, ये भक्ति करना है, लेकिन ये आधुनिक समाज इस प्रकार है, अत्याहार प्रयास, अच्छा ये है अत्यधिक संग्रहण करने का प्रयास, उसके लिए प्रयास प्रयास प्रयास, तो समय नहीं है, जॉब करने का समय, सत्संग आने का समय, जल्दी जाना है, काम करना है, समय नहीं है, समय नहीं है। ये कृत्रिम इच्छा है अंदर, इसीलिए हम लोग परेशान है, सब लोग परेशान है। तो सरल जीवन, तो सरल जीवन जीवन के लिए श्रील प्रभुपाद बताते सिंपल चीज है, आपको क्या चाहिए, दो चीज, एक है जमीन, क्योंकि जो मिट्टी है भूमि देवी, जमीन खेत, खेत से आपका आवश्यकता जैसे रोटी अन्न, अनंत भवंति भूतानि, वो अच्छा जरूरी है खाने का, कपड़ा वस्त्र है वो भी भूमि से आते हैं, मकान ये क्या है, मिट्टी है, वो सब मिट्टी से आता है, इसे जमीन जरूरी है, और गाय, गाय से दूध आता है जो विशेष अनुकूल है, गाय का दूध, देसी गाय का दूध विशेष हमारे जो दिमाग है, ब्रेन है, इसके फाइन टिश्यूज, जो सूक्ष्म विचार समझने के लिए भक्ति के बारे में सिद्धांत, वो गाय का दूध पीना जरूरी है, और दूध से बाद में दही, मक्खन, घी, ये सारे जो इतना शुभ वस्तु है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है, पूजा के लिए भी आवश्यकता है, ये सब आता है, और गाय गोमाता अब भगवान के प्रिय है, गौ माता की सेवा करने से सब अनुकूल है, सत्व गुण है, जब भी जानवर है
फिर भी सत्व गुण एक है। तो सत्व गुण एक 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 आधार है जिसे हम भक्ति कर सकते हैं। राज और तमोगुण तो ये है, समाज है। आज का समाज राजोगुण है, दौर भाग करना है, प्रयास करना है इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तो इसमें भक्ति करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। सबका अनुभूति यही है। इसीलिए यशोद प्रभुपाद बताते हैं सिंपल जीवन जमीन पर रहना है। और अभी आगे बताते हैं संग्रहण करना, तो कुछ प्रयास तो करना है, जिसे भूमि में काम करना, खेत में। तो मान लीजिए आपको, आप कंपनी में काम करते हैं इतना घंटे हर दिन, ये बिजनेस करते हैं, लेकिन ज़्यादा आसाद संग है, भक्तों का संग तो नहीं मिलता है ना ऑफिस में या कंपनी में, क्या मिलता है? ऐसे लोग हैं जो भक्ति नहीं करते हैं, बस वही दौर भाग करने वाले हैं। लेकिन अगर आप जैमिन भक्तों के साथ सब्जी उगाते हैं, फूल उगाते हैं, ये फल उगाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, दूध मिलता है, और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं गीता के बारे में, भागवत के बारे में, सुबह समय है कीर्तन मंगल आरती जप करते हैं, और पूरा दिन जो भी करते हैं, मेहनत तो होगा खेत कम करने में, वो भी मेहनत है, लेकिन भक्तों के साथ और नेचुरल है सब। इसलिए प्रॉपर वर्णाश्रम सिस्टम के बारे में विचार किया और स्थापित भी किया अमेरिका में। तो ये असत संग को त्याग करने के लिए एक उपाय है, विशेष गृहस्थों के लिए, क्योंकि गृहस्थों को ये जो परिवार है पालन तो करना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी है। कुछ तो खाना का व्यवस्था होना चाहिए, घर का भी और कपड़े का, सब कुछ होना चाहिए। तो सबसे सरल तरीका और सबसे नेचुरल प्राकृतिक ये है कि खुद करना ये सारे चीज, शुद्ध होगा तब पवित्र होगा। क्योंकि ये देखिए केवल कपड़ा जो हम खरीदते हैं दुकान में, उसमें कई बार ऐसा है कि कई वहाँ दूसरे देशों में यहाँ पर भी पता नहीं इंडिया में भी ये करते हैं कि ऐसे चाइल्ड लेबर, ऐसे छोटे बच्चों को बाय फोर्स बलपूर्वक उनको ये काम कराते हैं, कपड़े के काम में मतलब थोड़ा पैसे के लिए बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, लेबर जैसे, लेबर नहीं वो स्लेव जैसे। तो ये हिंसा है एक प्रकार की। तो वो कपड़े हम यूज़ करते हैं बाद में, तो हम उसमें भाग लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम मांस कोई काट दिया कसाई में, तो बाद में वो हमने खरीद लिया, तो हमारा पाप का भाग भी है उसमें ना, तो हमने लिया, हम सपोर्ट किया। तो इस प्रकार कपड़े अगर हम सोचते हैं, हम विचार भी नहीं करते कि वहाँ चाइल्ड लेबर जो है, जो बच्चे बाय फोर्स काम करते हैं, उनका इच्छा भी नहीं है, थोड़ा कुछ देते हैं उनको और पूरा सुविधा नहीं है, और वो काम करते करते बीमार हो जाते हैं, और वो हम खरीदते बाद में, हम पहनते हैं और अच्छा लग रहा है, लेकिन हम उसका भाग ले रहे हैं। तो हम जानते भी नहीं, खाने में हम खरीदते बहुत अलग अलग चीज़, जिसमें जैसे कभी कभी जैसे सोप है, नहीं उसमें चार भी है, गाय का भी हो सकते हैं, ये मेकअप जो है अलग अलग, लिपस्टिक और ये सब, उसमें बिल्कुल ये अलग प्रकार का चर्बी और क्या बोलते हैं कसाई में जो भी फेंकने का है वो सब बनाते हैं मेकअप के लिए। तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है ना जब हम लगाते ऊपर, लेकिन हम जानते नहीं उसमें क्या है। नहीं तो इस समाज में रहने से हम अपने आप पाप में लग जाते हैं, हम जानते भी नहीं, बहुत डेंजरस है। और हवा कितना दूषित है मुंबई जैसे, ऐसे करेंगे तो ताजा स्मोक मिलता है, स्मोक मीन्स गैस जो गाड़ी से आता है, तो हमारा जीवन कैसे होगा, ये नरक जैसा है ऑलमोस्ट, थोड़ा अंतर ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए ऐसे अनुकूल नहीं है भक्ति करने के लिए, इसे श्री प्रभुपाद गृहस्थों के लिए कि कुछ करना है तो करना है भक्तों के साथ,
भक्तों के साथ रहना और कैसे करना। इस आधुनिक समाज मतलब असुरिक समाज कसाई घर है, स्कूल को बोलते हैं प्रभुपाद कसाई। क्यों? क्योंकि जो आत्मा ज्ञान है वहाँ बिल्कुल नहीं मिलता है। आत्मा जो आत्मा की स्वभाव है भगवान की निस्वार्थ भाव सेवा करना, लेकिन स्कूल में क्या है केवल स्वार्थ के लिए, और वो भी आत्मा के बारे में कोई बात नहीं है, केवल शरीर की अवस्था में कैसे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों को संतुष्ट करना और इस प्रकार काम करना कि आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये काम क्रोध और लोभ बढ़ते रहते हैं, बचपन से ही सिखाते हैं। जो नरक का रास्ता है त्रिविधाम नरकस्य धाम द्वारम आत्मनम नाशनम कामस क्रोधस तथा लोभस तस्मात एतम त्रयम त्यजे। कृष्ण ने कहा कि नरक जाने के लिए तीन रास्ता है, काम क्रोध और लोभ, इसे ये तीनों को परित्याग करना चाहिए। लेकिन आज का जो एजुकेशन है ऐसा ही है, वही बढ़ाने वाला है काम क्रोध लोभ, एजुकेशन टीवी इंटरनेट और ये सब। और कितना साल पढ़ना पड़ेगा ना, ये बच्चे इतना अभी छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे फिर भी पढ़ाई करेंगे इस कॉलेज में, कितना साल ये सब दिमाग में आएगा तो ये कैसे साफ होगा बाद में, समझ लेगा कठिन होगा। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा कि कौ ब्रह्मचरित प्रज्ञो धर्मं भागवतम इहा दुर्लभं मनुष्यं जन्म तदपि अध्रुवम अर्थतम। कि भक्ति सीखना है बचपन से, बचपन से ब्रह्मचारी गुरुकुल वसन दंती गुरोर हितम। ब्रह्मचारी गुरु सुकुल में रहते हैं और गुरु की सेवा करते हैं। ब्रह्मचारी मतलब इंद्रिय वश, इंद्रिय दमन करना, वो सीख रहे हैं बचपन से। लेकिन आजकल बचपन से कैसे पाप करना वही सीखते हैं, इंटरनेट है टीवी है स्कूल में, वही ज़्यादा ही अपने तथाकथित मित्रों से गलत चीज सीखते हैं, बस हो गया क्लास, इंद्र दमन फिनिश, मनुष्य जीवन फिनिश। क्योंकि मनुष्य जन्म मतलब धर्मोहितेश अधिको विशेष, धर्म पालन करना, लेकिन वो नहीं सिखाते स्कूल में। तब जितना भी हम पढ़ाई करेंगे फिर भी हम जानवर रहेंगे, धर्मेना हीनम पशुवीर समान, जो धर्महीन है व्यक्ति वो जानवर के समान है, ये शास्त्रों का उक्ति है। इसीलिए जो प्रतिकूल है वो त्याग करना चाहिए, तो ये उपदेश अमृत है। तो अभी हम अत्याहार प्रयास तक आ गए। प्रजाल्प जो ऐसे समाज, प्रजाल्प का अर्थ है कि हम भगवान के संबंध और भगवान की उपदेशों के बारे में बात नहीं कर रहे, ग्राम्य कथा सामान्य बात, मतलब जैसे अभी समाचार क्या है और पॉलिटिक्स में ऐसा हुआ, हाँ क्रिकेट मैच में ये उनका विजय हुआ, वेदर ऐसा है और भी खराब हो जाएगा, और इस प्रकार ये बातें हम करते हैं बार बार जिसका कोई संबंध नहीं है भगवान के साथ। इसका भागवत में आता है श्लोक की श्रोतव्यादिनी राजेन्द्र नृणम संति सहासर्षा अपश्यतम आत्मतात्म गृहेशु गृह मे दिनम। कि लोग हजारों हजारों विषयों के बारे में बात करते हैं, श्रोत और श्रवण करते हैं बहुत सारे विषयों के बारे में, लेकिन अपश्यतम आत्मतात्म आत्मतत्व के बारे में कोई विचार नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। इसको बोलते हैं गृह मेदी, इसके पास गृह है और गृह ही उनका मेदी मतलब सेंटर है कि घर को चलाना है इस वजह से, और इंद्र सुख करना, लेकिन भगवान केंद्र में नहीं है। जो गृहस्थ है मतलब उनके घर के केंद्र है भगवान, और सब भगवान की सेवा के लिए करते हैं, बस जो परिवार है उसको भी इसीलिए पालन। तो इस प्रकार अत्याहार प्रयास प्रजाल्प। तो अब बात करना, अगर कुछ करना है तो भगवान के बारे में डिस्कस करना है, भगवान के संबंध में चर्चा करना है। अगर हम जो अभी वर्तमान समय में जो चल रहा है समाज में वो भी हम शास्त्र चक्षु के माध्यम से देख सकते हैं और बात कर सकते हैं। नहीं जैसे अभी चुनाव जब आता है तो बहुत बात हो रहा है इसके बारे में, तो इस समय हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ
श्रीला प्रभुपाद यही बताते कि पहले जब वास्तविक राजा थे तो कोई चुनाव का जरूरत नहीं था, जिनका अधिकार है राजा बनने के लिए तो बन गए, आजकल चुनाव चाहिए। और चुनाव कौन करेंगे? सामान्य लोग जो वास्तव में जानवर के समान है, वो जानते भी नहीं राजा मतलब क्या। राजा मतलब ये तो राजार्षि, भगवान के ऋषि है, बाप थे, और उनका कर्तव्य है धर्म पालन करना और दान देखना कि लोग धर्म पालन करते कि नहीं, ये उनका मुख्य काम है। और बाकी पालन करना प्रजाओं को ये सब सबका सुविधा हुआ ये उनको देखना है, ठीक है। लेकिन आजकल चुनाव मतलब प्रॉमिस, क्या बोलते, बहुत सारे प्रॉमिस, क्या बोलते, प्रॉमिस वादा, क्या अगर मैं आऊंगा पोस्ट में तब मैं आपके लिए हाईवे बनाऊंगा, फ्री खाना खिलाऊंगा लोगों को, बच्चों को स्कूल में फ्री खाना, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा सब मिलेगा, बहुत बढ़िया बताते हैं। लेकिन बाद में कितना पालन, कितना वो पूरी केयर करते हैं, बहुत कम, कभी कभी कुछ तो कर लेते, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा उनके लिए, लेकिन पूरा नहीं करते थोड़ा। तो हम कैसे राजा तक आ गया प्रजाप हाँ, तो इस प्रकार हम बात कर सकते हैं कि वास्तविक राजा, या हम प्रजाप के बारे में बात कर रहे हैं कि वास्तविक राजा मतलब उन्होंने ये सब देखा, तो चुनाव में हम डिस्कस कर सकते हैं कि वास्तव में उनका कर्तव्य ये ही करना। तो ये केवल उदाहरण के लिए, कल में हम इसका उदाहरण दिया, सूर्य हम देख सकते हैं तो भगवान को याद कर सकते हैं, कृष्ण सूर्य सामा, कृष्ण सूर्य के समान है ये, गौर चंद्र, चंद्र हम देख सकते हैं, ये भगवान भी ऐसा है गौरंगा, ये कृष्ण, कृष्ण का भी नाम है कृष्ण चंद्र का भी। तो ये सब भगवान के संबंध में, बारिश आ रही, भगवान ने भेजा बारिश, भगवान खींचेंगे बारिश, ये सब भगवान के माध्यम से हम देख सकते हैं, शास्त्र के माध्यम से, और बात कर सकते हैं। और अभी थोड़ा जल्दी आगे जाएंगे, नियम आग्रह, इसका अर्थ है कि नियम पालन करते हैं व्यक्ति, ये पालन नहीं करते, मतलब केवल जो शास्त्र में और विधि और निषेध है तो उसमें एक है कि नियम आग्रह, मतलब कि नियम सब परित्याग किए, कोई नियम पालन नहीं कर रहा, शास्त्र विधि परित्याग, ये बहुत प्रॉब्लम है। तो इसके लिए भगवान ने कहा कि अशास्त्र विधि मुझसे जब वर्तते काम करता ना सीधी माँ बाप नती ना सुखम ना परम गति। अगर व्यक्ति ने शास्त्र विधि परित्याग किया, अपने जीवन में पालन नहीं करते शास्त्रों के विधि, तो अपने हिसाब से काम करते हैं तो ना सीधी सिद्धि संभव नहीं है जीवन में, ना सुख, सुख कोई सुख संभव नहीं, ना परम गति, परम गति प्राप्त करना असंभव। तो शास्त्रों का विधि पालन करना चाहिए, लेकिन नियम आग्रह, दूसरा अर्थ है कि व्यक्ति बहुत नियम पालन कर रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो उनको पता नहीं, केवल नियमों में फंस गए। तो सारे नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्मार्तव्यम सततो विष्णु विस्मार्तव्यम न जातुषि, उसमें माने कि सारे विधि और निषेध का उद्देश्य है कि हमेशा भगवान को याद करना, यह विधि है, और कभी भी उनको विस्मरण नहीं करना, कभी उनको भूल जाना नहीं, हमेशा याद करना कृष्ण को। तो ये सारे विधि और निषेधों का, ये दोनों विधि और निषेध, स्मरण करना और विस्मरण कभी नहीं करना, बाकी जो विधि और निषेध है इसका दोनों का दास है, किंग कर्म। तो मतलब कि हमें भगवान को निस्वार्थ भाव प्रेम से भक्ति करना, सेवा करना, ये सारे विधियों का उद्देश्य है, भगवान को प्रसन्न करना, कृष्ण को संतुष्ट करना, ये है। लेकिन कई बार हम नियम पालन करते दिखाने के लिए, क्योंकि देखो ये कितना अच्छा कर रहा है, लोग बोलेंगे नहीं ये तो बहुत बड़ा भक्त है,
दिखावा, ये हो सकता है, ये नहीं, इसके लिए नियम पालन करने का जरूरत नहीं है। ये किसी ने बोला, जैसे हमारे पिताजी ने किया पूजा, हम भी करते हैं, क्यों करते हैं, उन्होंने किया, उन्होंने ऐसे बताया, पता नहीं क्यों, अंधविश्वास, ये भी सही नहीं है। समझना चाहिए हम जो कर रहे हैं क्यों हम कर रहे हैं, ये है। तो इसके लिए मार्गदर्शन चाहिए भक्तों का, गुरु का, इस प्रकार। अभी आगे देखेंगे, ये चार और पांच है, एसोसिएटिंग विद वर्ल्डली माइंडेड पर्सन, मतलब जाना संघर्ष, ये इसको बोलते हैं असत संग, ऐसे लोगों का संगति करना जो भक्त नहीं है, जिनका रुचि है इंद्र सुख में और इस उनका उद्देश्य है यही करना, इंद्र सुख, इंद्र भोग इंजॉय करना, पाप करना, ऐसे लोगों का संगति करने से हम भी वही हमारा पतन होगा। जैसे संग, जैसे जैसे रंग वैसे, क्या बोलते हैं, जैसे संग वैसे रंग हो जाएगा, तो ये पॉइंट है। तो ये हमें देखना है कि ऐसे लोगों का, ऐसे प्रकार, इस प्रकार के मित्र, इस प्रकार के लोग के साथ हम जितना जितना संग करना जितना जरूरी है। जैसे आप लोग काम करते हैं तो कई बार जरूरी है ऐसे लोगों के साथ संगति करना, लेकिन कैसे करना ये सीखना है कि उनका संग नहीं लेना, मतलब कि हम वो जो बताते उसमें हम महत्व नहीं देते। नहीं, जैसे कभी बात बोलते कि हम जब दूसरे घर पर जाते हैं, रिश्तेदार के घर पर जब बात नहीं है तो वहाँ खाना पड़ता है, नहीं जरूरी नहीं। अगर आप गंभीर हैं तो आप जाएंगे, आप वहाँ प्रभावित नहीं होंगे, आपको खाना जरूरी नहीं है, आप उनको कहलाइए प्रसाद, ये वो अपना बात सुनाएंगे, आप सुनेंगे लेकिन महात्मा नहीं देंगे, यहाँ जाएगा यहाँ वहाँ जाएगा। जानते कि वो जो बोले तो कोई शास्त्रों का आधार नहीं है, शास्त्रों का आधार पर बात करना है, जो भगवान बताते वही सत्यम है। तो हाँ, अभी एक प्रकार का सोशल ऐसे जीवन में जो गृहस्थ है उसमें थोड़ा जाना पड़ता है, थोड़ा सुनना पड़ता है, बात करना है, लेकिन साथ साथ समझना है कि ये एक्चुअली मोह माया है, अभी मुझे ये करना है, मेरा कर्तव्य है, जाना है, कुछ करना है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होना, ये प्रयास। और दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित करना, उनको समझाना, ये प्रयास होना चाहिए। और यही हमारा उपाय है, अगर हम सुरक्षित होना चाहते हैं मोह माया से उसी परिस्थिति में, तब हमें भगवान का नाम, भगवान का कथा, ये कुछ दिव्य ज्ञान के बारे में दूसरों को बताना, तब हम सुरक्षित हैं, नहीं तो बहुत कठिन होगा। अगर हम असत संग में गए तो बहुत कठिन होगा, अगर हम अटैक नहीं करेंगे वहाँ, अटैक मतलब समझाएंगे नहीं, अगर हम केवल सुनेंगे, सुनते 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 हम भी वैसे हो जाएंगे। विशेष जब भक्त इस इतना उच्च स्तर पर नहीं है भक्ति में, जब हम बिगिनिंग स्टेज शुरुआत में है तो हम जल्दी असत्संग से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जो शुद्ध वैष्णव है वो कभी भी प्रभावित नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद उदाहरण है, सन्यासी के लिए निषेध है सागर को पार करना, उसी जगह पर जाना निषेध, फॉरबिडन, नहीं जा सकते, क्योंकि पाश्चात्य देशों में राज और तामोगुण का प्रभाव ज़्यादा है, पाप, वहाँ कोई वैदिक संस्कृति नहीं है, इसलिए उनका पतन होगा वहाँ पर, निषेध। लेकिन श्रील प्रभुपाद सामान्य सन्यासी नहीं है, ये परमहंस है, वैष्णव है, तो इसीलिए वो गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ लाखों करोड़ों लोगों को परिवर्तन किया, उल्टा हो गया, वहाँ उन्होंने लोगों को भक्त बनाया और साधु बनाया। तो ऐसे हमें इस ये सिद्धांत है जो हमें सीखना है कि कैसे हम प्रभावित नहीं होंगे तामोगुण से, लेकिन हम दूसरे लोगों को प्रभावित करेंगे भक्ति से। अभी शुरुआत में कठिन होगा, इसलिए हमें खुद अच्छे से जप करना है और ये सब, तब संग
नहीं होगा। तो इसलिए शुरुआत में असत संग त्याग करना जितना हो सकते, ज्यादा भक्तों का संग करना जितना हो सकते, और ये नेचुरली स्वाभाविक हो जाएगा भी। अगर हम हमेशा कृष्ण के बारे में बात करें और हरे कृष्ण जप करते हैं, तो वो लोग जो भक्त नहीं है और जिनका रुचि नहीं है भक्ति में, वो आपको त्याग करेंगे। पहले मजाक उतारेंगे कि तुम साधु बन गए क्या, ज्यादा माना कर रहे क्या जरूरत है इतना, ये बताएंगे। बाद में आप करते रहेंगे तो वो आपसे इतना बात भी नहीं करेंगे। आप कभी भी कुछ बोलेंगे तो आप भगवान के बारे में बोलेंगे, भक्ति के बारे में, तो वो लोग थक जाएंगे, उनका रुचि नहीं है उसमें। ये इसमें से कोई एक व्यक्ति हो जाएंगे कि उनका रुचि हो जाएगा, तो वो भक्त बन जाएंगे, आप उनको समझाएंगे। तो इस प्रकार संग नहीं लेना, संग देना, ये प्रयास, ये सीखना होगा। तो जाना संगश्च लौल्यम च, लौल्यम मतलब दोबारा लालच, भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए ज्यादा लालच वो अच्छा नहीं है। लौल्यम श्रील प्रभुपद बताते कि लौल्यम चाहिए लेकिन भक्ति के लिए हमारा लालच होना चाहिए कि कब हम भक्तों का संग प्राप्त करेंगे, कब हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे, ये लालच सही है। लेकिन भौतिक वास्तवों को प्राप्त करने के लिए लालच वो भक्ति को विनाश करेगा, क्योंकि दोनों साथ साथ नहीं चलता है। भौतिक इच्छा है तो कृष्ण के लिए इच्छा नहीं होगा। तो ये लालच, ये संक्षेप में हम चर्चा किया अभी, जो प्रतिकूल है भक्ति के लिए। तो वास्तव में असत संग जो है उसमें सारे पाप और सब कुछ आ जाते हैं, उसमें खाना पीना सब कुछ, असत संग में सब कुछ तमोगुण हो जाता है। मैं आपका फ्रेंड्स आएंगे, बोलेंगे जाओ, हम जाएंगे बाहर खाएंगे कुछ, तो क्या खाएंगे, वही खाएंगे जो नहीं खाना है। और अगर अच्छा कुछ शाकाहारी हो लेकिन भोग नहीं लगाते बाहर, तो खाना ही नहीं। भक्तों के संग में आएंगे तो तुरंत आपको प्रसाद ही कहलाएंगे, भोग भोग लग गए और तब कहलाएंगे, उसके बिना कुछ नहीं कहलाएंगे। तो आपने आप, आपका खाना सही हो जाएगा, आपका श्रवण सही हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रों के बारे में सुनेंगे, आपका गाना और नाचना सब सही हो जाएगा, कीर्तन भगवान के लिए सब कुछ है। लेकिन भक्तों के संग में सब शुद्ध है, पवित्र है, क्योंकि सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, भगवान के संबंध में। इसे पहला विधि है साध संग। इसलिए वालों ने कि साधु संगे सर्वशास्त्र खोए, लाभ मात्र साधु संग सार्व सीधे आए। कि तोरा सत्संग भी किया लाभ मात्र, तो आप सीधे प्राप्त कर सकते। इसलिए सारे शास्त्र में गुणगान है साधु संग का, ये साधु संग करना है। साधु संग इतना महत्वपूर्ण है कि इस श्लोक में बताते हैं कि जन संगस असत संग करना प्रतिकूल है, और दूसरे श्लोक में बताएंगे कि सत्संग करना है, जो अभी दूसरे श्लोक में देखेंगे कि सत्स अनुकूल क्या है भक्ति की, भक्ति में क्या अनुकूल है, कैसे भक्ति करना है कि हम भक्ति प्रगति करेंगे, यहाँ पर विनाश यति। और तीसरा श्लोक में भक्ति प्रसिद्ध यति, कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है, महत्वपूर्ण श्लोक है। उत्साह निश्चया धार्य तत्कर्मा प्रवर्तना संग त्याग सतो वृत्ते सद्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह मतलब उत्साह भक्ति में उत्साह। अभी यहाँ पूरा देखेंगे दो लाइन, तत्त कर्म प्रवर्तना उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, तत्त कर्म प्रवर्तना मतलब नवविध भक्ति, मतलब उच्च कर्म जो सबसे उत्तम है। वही प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैं उत्तम शिक्षा मानता हूँ क्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मारणम पाद सेवनम आर्चनम वंदनम दस्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो नवविध भक्ति है ये उत्तम कार्य है, उत्तम शिक्षा है। तो ये रूप गोस्वामी बताते कि ये नवविध भक्ति जिसमें श्रवण कीर्तन स्मरण, श्रवण कीर्तन सबसे पहले आएंगे और बाद में सेवा और सब कुछ, ये कैसे करना, उत्साह के साथ,
उत्साह के साथ। उसने प्रॉपर उत्साह शब्द समझाते हैं कि ये क्या है, दिस इज इंडेवरिंग, कंटिन्यूस इंडेवरिंग विद इंटेलिजेंस, मतलब हम लगातार प्रयास कर रहे हैं भक्ति में बुद्धि के साथ। उत्साह नहीं है कि हम जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ, ये जो राजगुण के अंदर में लग रहा है कि उत्साह है, तो हाँ बहुत आनंद आ रहे हैं, वो ये बहुत आनंद, इसलिए हम कीर्तन में नाचते हैं, ये जप करते हैं। शुरुआत में माला अच्छा लग रहा है तो तुरंत 20-30-50 माला करते हैं, लेकिन बाद में आनंद नहीं आता है तो छोड़ दिया पूरा। ये उत्साह नहीं है। उत्साह वो है हम बुद्धि लगाते कि ये मेरा कर्तव्य है, और ये जो इसका लाभ है वो असीमित है, हरे कृष्ण जप करने करते हैं, और बाद में आनंद नहीं आता फिर भी करते हैं, फिर भी प्रयास करते हैं। तो उत्साह की परीक्षा आएगी तब, कब, जब दुख आएगा, और जब भक्ति में रुचि नहीं और मन नहीं रहेगा फिर भी करेंगे, ये उत्साह है। एक्शन हम करते रहेंगे, करते रहेंगे। अच्छा नहीं लग रहा, विघ्न आ गया, सब लोग मना किया, भक्ति मत करो, छोड़ दो, ऐसा क्यों कर रहे, फिर भी करते हैं, ये उत्साह है। जब सब लोग बोलते हैं हाँ बहुत बढ़िया आप जॉब करते हैं, हाँ आइए प्रोग्राम प्रसाद खाइए, कुछ नहीं करना बस आइए, तब तक हम उत्साहित हैं, बाद में खुद कुछ करना है और हो उत्साह बंद हो गया, मतलब उत्साह नहीं, ये वास्तविक उत्साह नहीं। उत्साह मतलब कि व्यक्ति बुद्धि लगाते क्यों हम करते हैं, माला क्यों करते हैं, किसी ने बताया इसीलिए, नहीं इसीलिए नहीं, किसी ने बताया लेकिन हम समझ गए कि ये युग दान है जिससे भगवान प्रसन्न है और हम उन्हीं के दास हैं, हमें हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, उसका लाभ ये है कि हम मोह माया से बाहर आएंगे, कि हम भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, आध्यात्मिक ज्ञान समझ पाएंगे, अंतिम में कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। तो ये समझ के करना है हर एक परिस्थिति में उत्साह, और साथ साथ निश्चय मतलब दृढ़ता होना चाहिए, क्योंकि बीच में आएगा विघ्न, आएगा कठिनाई आएगा, तो उसमें दृढ़ता होना चाहिए, और दृढ़ता को प्राप्त करने के लिए क्या होगा, इसीलिए ये पहले श्लोकों को पालन करना होगा। गीता में भगवान ने कहा क्या कि तेषम ये शम त्वंतगतम पापम जननम पुण्य कर्मणम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम धृतव्रता, कि ये सब ये जो बात है जिन्होंने पहले सारे पाप परित्याग किया, त्वंतगतम पापम, पाप अंत कर दिया, फिनिश, जननम पुण्य कर्मणम केवल पुण्य कर्म किया, ते द्वंद मोह निर्मुक्ता, ये द्वंद और मोह से मुक्त हो गया, तो वही बात दृढ़ता के साथ भक्ति कर सकते हैं, भजन्ते माम दृढ़ता। इसीलिए रूप गोस्वामी पहले बताते कि पहले इंद्रियों को दमन करो, पाप नहीं करना है, जो प्रतिकूल है भक्ति के लिए वो त्याग करो, तब ये सब आएगा, उत्साह निश्चय और धैर्य जो है ये इम्पोर्टेंट है। मतलब कि हो सकते, धैर्य क्या है, किस हो सकते कि हम इतना बहुत सारे पाप में आ सकते हैं, तुरंत नहीं छूटेगा, तुरंत इतना आनंद नहीं आएगा, तुरंत भगवान का दर्शन नहीं होगा। कई बार नहीं हमने बात किया कि हम सुनते हैं कि हरे कृष्ण जप करने से हम इतना जल्दी साफ शुद्ध हो सकते हैं, इतना जल्दी भगवान के पास जा सकते हैं, तब माला तो तुरंत 16 माला शुरू किया, सब पालन कर रहे हैं हरे कृष्ण, अभी ये विचार है कि भगवान दर्शन कब देंगे, हम इतना दिन से माला करते हैं और यदि एक महीना हम करते हैं फिर भी भगवान दर्शन नहीं दिया, ऐसे राजगुण के अंदर में विचार आ सकते हैं कि मुझे जल्दी देखना है, तो नहीं आया नहीं आया नहीं, और बाद में एक दिन छोड़ दिया, ये कोई फायदा ही नहीं है, मैं इतना माला कर रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान तो दर्शन नहीं दिया अभी तक, तो मतलब धैर्य नहीं है, धैर्य होना चाहिए कि जितना भी समय लगेगा, एक जन्म, दो जन्म, 10,000 जन्म तक हम करेंगे, बीच में नरक भी जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम भक्ति करेंगे, उत्साह निश्चय धैर्य। इसका उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु के पार्षद मुकुंद, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, उन्होंने सारे भक्तों को दिखाया, महाप्रकाश लीला था, इसमें उन्होंने जब पहले कभी नहीं दिखाया,
हमेशा अपने को एक भगवान का दास ऐसे मानते थे, और जब बाग बोलते थे आप स्वयं भगवान है, क्योंकि वास्तव में स्वयं भगवान थे, शास्त्र में ही वर्णन है चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने मना किया। लेकिन एक बार उन्होंने महाप्रकाश लीला सबको दिखाई दिया कि वास्तव में ये भगवान है, राधा कृष्ण रूप, कृष्ण का रूप दिखाया सारे भक्तों को। लेकिन एक भक्त थे जिनका नाम है मुकुंद, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे जगह पर भी गए प्रवचन सुनने के लिए, जहाँ मायावादी लोग जो भगवान को निराकार मानते हैं वहाँ भी गए कई बार। तो ये भगवान को पसंद नहीं है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान पुरुष है। और स्वयं भगवान कृष्ण जब उपस्थित थे, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, वो जानते थे कि मुकुंद क्या कर रहे हैं, भक्तों के साथ है तो भक्तों के साथ है, मायावादियों के साथ तो उनके साथ भी सुनते हैं। तो ये जब लाइन आ गया कि अब मुकुंद को बुलाना है, उनको दर्शन कर देना है, तो भगवान ने कहा कि नहीं, उनको नहीं बुलाना, उनको मेरे पास नहीं लाना है, कि मायावादियों के पास जाता है तो कभी मेरे पास नहीं लाना है उनको। तो मुकुंद रोने लगा, कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने पूछा, कम से कम बस यही मुझे पूछिए भगवान से कि ऐसे कभी होगा, कब मैं मौका प्राप्त करूंगा उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो भगवान ने कहा कि हजारों जन्म के बाद, हजारों जन्म के बाद दर्शन मिल सकते हैं। तब मुकुंद नाचने लगा, बहुत खुश थे, अरे बहुत अच्छा है, तो बहुत, तो कैसे हो सकते। भक्त ने पूछा, आप क्यों इतना खुश है, अभी हजारों जन्म के बाद दर्शन होगा, क्यों बहुत समय। उन्होंने बोला नहीं, लेकिन उन्होंने भगवान ने कहा कि हजारों जन्म के बाद तो होगा, तो निश्चित हो गया, निश्चित हो गया तो अच्छा है। तो वो तैयार थे हजार जन्म तक वेट करना, तो भगवान का दर्शन होगा उस समय। तो तब भगवान जब समाचार मिला कि उन्होंने ऐसे, क्या उनका भाव है कि वो तैयार है हजार जन्म तक प्रतीक्षा करना, तो तुरंत उनको बुलाया, ठीक है बुलाओ उनको, तुरंत दर्शन मिला। तो ये धैर्य होना चाहिए भक्ति में, जल्दी जल्दी होगा, भगवान की मर्जी है, तब हम उनका दर्शन मिल सकते हैं। हम भगवान को बाय फोर्स, हम उनको दबाव नहीं कर सकते, हमें धैर्य, हम दास है, भगवान मालिक है, उल्टा नहीं है। जो मालिक है दबाव कर सकते हैं, दास तो बस केवल सहन करना, सेवा करना, भगवान की मर्जी जब होगा तब। तो उषा और दृढ़ता और धैर्य के साथ हमें क्या करना, तत्कर प्रवर्तन, श्रवण भगवान के बारे में, जैसे अभ्याम करते हैं श्रवण और कीर्तन और जप करना, जो हम संकल्प देते हैं, ये करना है। कभी कभी अच्छा लगेगा, कभी कभी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा आनंद आता है जब हम जप करते हैं, जहाँ तो नींद ही आता है, नींद आता है, या अगर नींद नहीं आते तो मन इधर उधर चला जाता है। बहुत संघर्ष है जप करने का समय, देखिए उत्साह करना है, करना है। और इसके बारे में श्रवण करना और जप करना बहुत जरूरी है दोनों। श्रवण करने से हम बार बार प्रेरणा मिलते हैं, हमारा जो उत्साह है वो रिफ्रेश हो जाते हैं, रिफ्रेश वो जरूरी है, नया तजा उत्साह मिलने के लिए श्रवण करना भक्तों के संग में। और तब धैर्य भी आएगा कि एक दिन तो होगा, एक दिन तो भगवान का दर्शन होगा। ऐसे इसलिए भक्तों का संग इसके लिए भी जरूरी है, इसलिए जो तत्त कर्म प्रवर्तन उसके बाद आएगा संग त्यागत। संग त्यागत मतलब दोबारा असत्संग परित्याग करना, असत्संग परित्याग किया तो सत्संग तो करना होगा। एक और पॉइंट है संग त्यागत, असत्संग त्याग मतलब ऐसे लोगों की संगति जो बात नहीं है। लेकिन आजकल ये जो अलग प्रकार के गैजेट्स हैं वो भी असत्संग है। छोटे बच्चे बचपन से असत्संग करते हैं, गेम्स खेलते हैं, नहीं तो वो असत्संग है। उसी गेम्स में जो मोबाइल में है, इतने हजारों लोगों को मार देते हैं, ये कृत्रिम तरीका, लेकिन भाव वही है, किसी को मार दिया, शूट कर दिया किसी को, गेम्स में युद्ध करना, ये करना, तो मन पूरा उसी में फंस जाता है, क्रोध में, ईर्ष्या में, भेदभाव में, कि हमारा शत्रु है उसको मानना है, ये तो गेम्स में सब सीखता है, सीख जाते हैं गलत। तो ये भी असत्संग है, टीवी
इंटरनेट, इंटरनेट सत्संग भी हो सकते हैं, जैसे अभी हम ये सत्संग का जो प्रवचन है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, यूट्यूब में अपलोड करेंगे, तो एक ये सत्संग वहाँ भी चलता रहेगा। तो बहुत सारे बात ऐसे करते हैं, सारे इस्कॉन मंदिर में ऐसे हो रहा है, अलग प्रवचन सब इंटरनेट में आते, तो सत्संग भी हो सकते हैं, लेकिन असत्संग भी हो सकते हैं, तो बहुत डेंजरस है, तो देखना पड़ेगा। लेकिन जो नॉर्मल टीवी है, जैसे सीरियल, अब लोग सीरियल देखते हैं, माता जी लोग सीरियल है, अलग मूवीज है, ये सब असत्संग है, क्योंकि भगवान के बारे में कुछ बात नहीं हो रहा है, केवल क्या हुआ, क्या हो रहा है, मजाक, मनोरंजन। टीवी का फुल फॉर्म है टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट। और त्रिविधाम नरकास्य नाम ने टीवी, त्रिविधाम नरकास्य नाम, काम क्रोध और लोभ बढ़ाने वाला चीज है, ये गुरु है कैसे नरक जाना टीवी। तो इसलिए क्या करना है, संग त्याग, टीवी त्याग करना है, ऐसे खिड़की से बाहर निकलना, फेंकना है, लेकिन पहले देखना है कि कोई है नीचे, कोई है नहीं, नहीं तो को मारेंगे। और एक और उपाय है कि टीवी भेजना है, जितना पैसा मिलेगा उसके लिए श्रीमद् भागवतम खरीदना है, इसको मैं ये भागवत गीता सारे बुक्स भगवान की लीला, और रखना है उसी जगह जहाँ टीवी था पहले, और पढ़ना है, तब आपका उन्नति होगा। आजकल तो लोग टीवी नहीं देखते क्योंकि सब कुछ मोबाइल में ही है, वाला मोबाइल में सब मिलता है, तो ये देखना है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में पिछले तात्पर्य में जहाँ पर अत्याहार प्रयास अच्छा वहाँ प्रजाप में आता टीवी, श्रील प्रभुपाद मना किया टीवी देखना, न्यूज़पेपर मैगजीन, फिश करना, फिशिंग मछली पकड़ना, और ये कार्ड प्ले करना, जो ये सब मना कर रहे हैं, बोले जो गंभीर है भक्ति में ये सब नहीं करना है, आहार के बारे में मांस मछली लहसुन प्याज वो सब मना करते हैं वहाँ प्रभुपाद। इसलिए एक्चुअली सबको ये बुक पढ़ना है, सबके पास है उपदेशा में, आपके पास है, एक बार बाद में दिखाएंगे सबको कौन सा बुक है, हमारे पास है, हम नहीं लिया, वो जितना हम लिया उसके बीच में है कोई नहीं, ठीक है। तो संगत त्याग, सतोव्रत, तब क्या करना, सतोव्रत, सतोव्रत मतलब पूर्व आचार्यों की पद चिन्हों पर चलना है, पूर्व आचार्य चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण के बाद बहुत सारे आचार्य हैं जो वैष्णव हैं, जैसे वो ही सिखाते थे, भक्ति करते थे, तो इस प्रकार हमें करना है, पूर्वाचार्य। तो श्रील प्रभुपाद बहुत दयालु है, उनने सारे पूर्वाचार्यों के, विशेष चांद गोस्वामी से लेकर उनके गुरु तक, उनने जो अलग अलग तत्पर्य है उन्होंने सब कुछ उन्हीं के पुस्तक के अंदर में दिया, संक्षेप में सारा सिद्धांत उन्होंने दिया। हम श्रील प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ते हैं तो हम पूर्व आचार्यों के संबंध में आते हैं, कनेक्शन जो भी जरूरी है हमारे लिए वर्तमान उनने दिया पुस्तकों में। तो और हम पूर्व आचार्यों के जैसे सिखाते थे ऐसे हमें करना, विशेष जो रिसेंट आचार्य है श्रील प्रभुपाद उनके हिसाब से करना चाहिए भक्ति, क्योंकि उनको पता हुआ कि वर्तमान परिस्थिति क्या है, अगर हम छठ गोस्वामी जैसे भक्ति करेंगे तो क्या, त्यागत्वा तु न अशेष मंदलपति शरणं तुच्छवत्, वो सब कुछ परित्याग किया, और लोइन क्लॉथ क्या बोलते हैं, कोपिन खंता, केवल कोपिन पहनते थे और एक कपड़ा ऐसा, आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो अगर हम उनके पाद चिन्हों पर जाएंगे थोड़ा कठिन लगेगा आपको, सब लोग नहीं कर सकते ऐसा, श्रील प्रभुपाद इसीलिए सिखाया हमें क्या करना, हमें जो भी परिस्थिति है उसी में ही करना है, आप गृहस्थ हो, बच्चा हो, को भी कुछ भी, आप माला कीजिए,
अब गीता पढ़िए, सत्संग कीजिए, भगवान को भोग लगाते खाइए, लेकिन नियम पालन करना। कौन से नियम? चार नियम कि आवधिक स्त्री पुरुष संग परित्याग करना, शादी के अंदर संतानोत्पत्ति करना अलाउड है, वो ठीक, बाकी सब वर्जित है। बाद में अमिष आहार वर्जित है, जिसमें लहसुन प्याज और ये सब परित्याग करना। नाशा, कोई भी नाशा, इसमें चाय कॉफी सब परित्याग करना। और गैम्बलिंग, जुआ खेलना परित्याग, नो गैम्बलिंग। ये नियम, ये नियम, नियमों को और नाशा हम बोल दिया ना, ये सब त्याग करना है, इतना ही। तो ये पालन करना है और हरे कृष्णा जप करना है, भगवान की सेवा करना, और जो भी आपका परिस्थिति है, मतलब भोजन बंद नहीं है, भगवान को आप अच्छे स्वादिष्ट भोग तैयार कर सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं, राजभोग, चपन भोग, बाद में वही प्रसाद आपको ही मिलेगा। भगवान तो केवल दृष्टि से खाते हैं, भगवान को खाना ही जरूरत नहीं है, केवल हमारा जो सेवा है स्वीकार करने के लिए उन्होंने खुद विधि बनाया कि भोग लगा के खाना चाहिए, नहीं तो पाप होगा। बाद में श्री प्रभुपाद बताते, अगर आपको आपका इतना ही चाहे तो शादी करना है, तो संतानोत्पत्ति करना, जिम्मेदारी लेना है, तो भी बंद नहीं है। इसके बाद क्या क्या सब कुछ है भक्ति में, आपको नाचने का मौका मिलता है, नाच सकते हैं। हाँ, गाओ नाचो भक्त संगे करो संकीर्तन, गाना नाचना भक्तों के संग में कीर्तन करना, ये श्री चैतन्य महाप्रभु बताते, शिक्षा देना है भक्ति के बारे में सबको, और इसी में इतना संतुष्ट है और आनंद की, और कुछ करना जरूरत नहीं है। सतोवृत्ति, पूर्वाचार्य ने ऐसे किया और हमें भी ऐसे करना, तब हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हम थोड़ा चर्चा किया जो अनुकूल है भक्ति करने के लिए। भक्ति के लिए अनुकूल क्या है, जैसे सुबह जल्दी उठना, ब्राह्म मुहूर्त में जप करना, जब भी कोई नियम नहीं है जप करने के लिए कभी भी, लेकिन उस समय शांति है, उस समय सत्वगुण का वातावरण है, इसे ब्राह्म मुहूर्त शास्त्र में क्या बोलते हैं, निर्धारित समय है पूजा करने के लिए, जप करने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से डेढ़ घंटा पहले, लगभग 4:30 बजे पहले से ही शुरू कर सकते हैं। 2 बजे भी अगर जप करेंगे आप, देखेंगे रात को उस समय सबसे शांति है, मन पूरा केंद्रित हो जाता है, लेकिन उस समय हम सो जाते हैं, कैसे उठेंगे उस समय, इसीलिए प्रॉब्लम है। ऐसे समाज रहने में जो सबसे अनुकूल समय है उसमें सोना ही पड़ता है, क्योंकि नींद शाम सो जाते 12-1 बजे, तो 3-4 बजे कैसे उठेंगे, 6-8 बजे हो जाते हैं। अभी काम है तो मजबूरी है, तो क्या है, बाय फोर्स उठना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। तो ये अत्यार ये जो अनुकूल है, अनुकूल और प्रतिकूल, ये हम चर्चा किए।